नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ का रुख करेंगे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों को तोहफा देंगे। आपसे थोड़ी ही देर में सीएम योगी अंश प्रमाण पत्र का वितरण करेंगे। अंश धारक कृषक सदस्यों को प्रमाण पत्र बांटेंगे। लोक भवन में अंश प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ से है जहाँ से आपसे थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों को बड़ा तोहफा देंगे और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंश प्रमाण पत्र वितरण करेंगे। किसानों को अंश प्रमाण पत्र देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अंश धारक कृषक सदस्यों को ये प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। लखनऊ में लोक भवन के ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जहाँ पर अंश प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों को अंश प्रमाण पत्र वितरण करेंगे। और उधर उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर है जहां पर सुबह सुबह कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपी रतूड़ी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सभी पदों और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से आरपी रतूड़ी ने इस्तीफा दिया है। पिछले 45 सालों से कांग्रेस में सेवा दे रहे थे रतूड़ी। सोशल मीडिया पर आरपी रतूड़ी ने ऐलान किया है, पार्टी में आपसी कलह से आहत हुआ हूं। रतूड़ी ने बात कही है तो उत्तराखंड कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। आरपी रतूड़ी ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पिछले 45 सालों से कांग्रेस में सेवा दे रहे थे आरपी रतूड़ी और अब सोशल मीडिया पर आरपी रतूड़ी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल उन्होंने हवाला दिया है कि पार्टी में आपसी कलह मची हुई है और जिस वजह से वो आहत है और यही वजह है कि वो पार्टी के साथ अब नहीं जुड़ सकते हैं, पार्टी के साथ अब नहीं खड़े हो सकते हैं और पार्टी के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो सुबह सुबह ही आज कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है उत्तराखंड में जहाँ पर आरपी रतूड़ी ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आरपी रतूड़ी जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और सभी पदों और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से आरपी रतूड़ी ने इस्तीफा दिया है और इसके साथ ही आंतरिक कलह का हवाला दिया है आरपी रतूड़ी ने। पिछले 45 सालों से कांग्रेस में सेवा दे रहे थे रतूड़ी और सोशल मीडिया पर रतूड़ी ने लिखा है कि दरअसल आंतरिक कलह की वजह से वो बेहद आहत है और जिस वजह से अब वो पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभय, जिस तरीके से आज सुबह सुबह कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है, आरपी रतूड़ी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। देखिए भाई, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस को आज दो बड़े झटके एक साथ यहाँ मिले हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता है डॉक्टर आरपी रतूड़ी, उन्होंने अपने पार्टी के सभी पदों पर अपना इस्तीफा यहाँ पर दिया है। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी उनके द्वारा साझा की गई है। इसके अलावा महिला कांग्रेस के वरिष्ठ स्त्री और महानगर महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है कमलेश रमन, उन्होंने भी पार्टी के सभी पदों पर अपना इस्तीफा यहाँ पर दिया है। दोनों ने सीधे तौर पर अपनी जो भावनाएं, उन भावनाओं के हाथ होने का जिक्र किया है। पार्टी में चल रही गुटबाजियों के चलते और लगातार उनकी जो उपेक्षाएं हो रही है, कूनकालिक सदस्य की जिस प्रकार की उपेक्षाएं वहां पर हो रही है, वो आरोप यहाँ पर लगाए गए कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, पार्टी में गुटबाजियां इस तरह से हावी हो चुकी है कि जो पार्टी के जो पूर्णकालीन जो सदस्य हैं उनकी जनभावना है हाथ होने लगी है। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बड़े झटके जिनसे उभर पाना या अभी कह सकते हैं कि कांग्रेस को और बड़ा समय यहाँ पर लग सकता है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार इस तरह की जो कह सकते हैं कि जो कांग्रेस को झटके लग रहे हैं उसमें उभर नहीं पा रही है। एक के बाद एक नेता पार्टी का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये कांग्रेस के लिए बड़ा चिंतनीय विषय यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस मजबूती के साथ पार्टी को उभरना चाहिए था, जो एकजुटता पार्टी को यहाँ पर दिखानी चाहिए थी, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रही है और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता वो एक एक करके पार्टी का दामन छोड़ने लगे हैं। पूर्व में पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष थे, वरिष्ठ नेता थे,
जो सिंह जी वो भी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर छोड़ चुके हैं। उनके बाद पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता थे वो उन्होंने भी पार्टी का दामन यहाँ पर छोड़ने का काम किया था। आप ये कह सकते हैं कि प्रदेश प्रवक्ता ने भी पार्टी छोड़कर इस बात को यहाँ पर जाहिर किया है कि कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है, गुटबाजी ज्यादातर हावी हो रही है और यही वो कारण है जिनके चलते उनकी जनभावना आया है तो पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जी बिल्कुल अभय, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार उत्तराखंड में अपने को मजबूत करने की बात कर रही है और हाल ही में 2022 के विधानसभा चुनाव में कड़ी शिकस्त मिली है, बावजूद इसके कांग्रेस में आंतरिक कलह लगातार जो चल रही है वो अब एक बार फिर से बाहर निकल करके सामने आने लगी है। ये कह सकते हैं कि जो जो अब तक गुटबाजी की जो खबर बंद कमरों में आया करती थी कांग्रेस की, वो अब खुलकर सड़कों पर आने लगी है। जिस प्रकार से पार्टी के नेता छोड़ रहे हैं और सीधे तौर पर एक एक के बाद एक नेताओं ने गुटबाजी को बड़ा अहम जिम्मेदार यहाँ पर माना है कि जिसकी वजह से पार्टी के जो नेता है वो आहत होते नजर आ रहे हैं, तो ये साफ तौर पर वो बड़ी वजह है जिन पर अब कांग्रेस को काम करने की जरूरत है, उस गुटबाजी को समाप्त करने की जरूरत है और मजबूती के साथ विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। लेकिन ऐसा होता हुआ यहाँ पर दिख नहीं रहा है। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो इन गुटबाजियों के चलते कह सकते हैं कि आपस में अलग अलग दलों में बटे हुए नजर आ रहे हैं और उससे पार्टी का जो दूसरा जो जमीनी वस्त्र का जो कार्यकर्ता वो अपने आप को आहत महसूस कर रहा है। ये कह सकते हैं कि अगर पार्टी का जल्दी दिशा में विचार नहीं करती तो फिर आने वाले दिनों में जो कांग्रेस की मुक्ति होंगी और ज्यादा पश्चिम नजर आएंगे। जी बिल्कुल अभय, लेकिन जिस तरीके से कई प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्षों को बदला गया और इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, तो क्या उसका भी कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा? ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा, वो युवा चेहरा और युवा नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने की बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये साफ तौर पर संकेत यहाँ पर दे दिए गए थे कि जो फिलहाल जो पूर्व की जो कार्यकारिणी है उस कार्यकारिणी के साथ कुछ चलना बेहतर यहाँ पर समझेंगे। अगर किसी नेता को कोई नई जिम्मेदारी देनी भी है तो उस नई जिम्मेदारी देने का काम किया जाएगा, लेकिन सभी लोगों को एकजुट होकर आगे चलने की जरूरत है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। उनके जो उनके जो काम होते हैं उन कामों पर पार्टी के दूसरे नेता या जो वरिष्ठ जन है वो अपने आप को असहज महसूस यहाँ पर कर रहे हैं और यही वजह है कि जो अवसर लगातार इस्तीफा दे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अब है तो कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है, आरपी रतोड़ी ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। और रुख करेंगे अब उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का, जहां पर इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि समाधान दिवस के दिन फरियादी को अब शब्दों से नवाजने वाले कोतवाल राजेश सिंह पर एसपी आलोक प्रियदर्शी ने जांच बिठा दी है और कहा है कि जांच में दोषी पाए जाने पर कोतवाल राजेश सिंह पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला है। गालीबाज कोतवाल पर जांच होगी, अब एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा गया है कि जांच में यदि कोतवाल दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पता कह रहा है कि वीडियो मैंने देखा है और जो मैंने शब्द का यूज किया है उसके विषय में उनका स्पष्टीकरण दिया गया है और इसके विषय में जांच भी दी गई है विशेष के साथ और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे वीडियो का भी विश्लेषण किया जा रहा है और अगर तथ्य सही पाया जाता है तो उनकी कार्रवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजू तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजू, गालीबाज कोतवाल पर हालांकि जिस तरीके से जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है, टाइम लिमिट, कोई टाइम बॉन्ड निर्धारित किया गया है, कितने दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपनी है? जी देखिए, कि जिस तरह से लगातार इंडिया वाइज पे गालीबाज कोतवाल की वीडियो चली और खबर को प्रमुखता से इंडिया वाइज ने दिखाया, उसके बाद जिले का पूरा महकमा कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और संज्ञान लेने के बाद कार्यवाही की बात कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो वीडियो वायरल हुआ, वायरल वीडियो में सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार पुलिस मित्र कहने की बात कह रही है और लोगों को उचित सम्मान देने की बात कह रही है, वहीं थाने में बैठे हुए समाधान दिवस के दौरान ये जो कोतवाल राजेश सिंह है इनके द्वारा आप शब्दों का साफ तौर पर उपयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से आप शब्दों से ये नवाज रहे हैं अपने आने वाले फरियादियों को। लेकिन
जब जिले के आला अधिकारियों को इस पूरे मामले से बात की गई, इस पूरे मामले को संज्ञान में उनके लाया गया मीडिया के द्वारा, तो जो जिला का पूरा आला अधिकारी है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पूरे मामले को संज्ञान में लेके जांच के लिए भेजा गया है और सीओ को जांच दी गई है, जो जांच में दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात देखी जा सकती है कि जिस तरह से वायरल वीडियो में या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसके बाद भी जांच की बात कही जा रही है, एक बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए राजू। और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आगरा बाईपास के पास एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। यूपी एसटीएफ और बिहार एसटीएफ ने मुखबिरों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित अवैध असलहे एवं असलाह बनाने के रॉ मटेरियल और उपकरण बरामद किए हैं। एसटीएफ ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यूपी और बिहार एसटीएफ ने मिलकर के ये गिरफ्तारी की है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असलाह बनाने के रॉ मटेरियल बरामद किए गए हैं। पुलिस की तरफ से अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का ये भंडाफोड़ हुआ है, बड़ा भंडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें कि अवैध हथियारों को बनाने में ये 9 आरोपी संलिप्त थे और जिन्हें एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का बड़ा भंडाफोड़ किया गया है। एसटीएफ ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी और बिहार एसटीएफ ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। असलाह बनाने के रॉ मटेरियल भी बरामद किए गए हैं एसटीएफ की तरफ से। और उधर फरुखाबाद मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है तो वहीं पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है जबकि 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो फरुखाबाद पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और ऐसे में लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है, अपराधी माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। फरुखाबाद पुलिस को भी ये बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तो पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। फरुखाबाद पुलिस को ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल यहां रोड पर जा रहे एक ऑटो रिक्शा को जब पुलिस ने रुकवाया तो उसमें सवार लोगों को देखने के बाद पुलिस हैरान रह गई। ऑटो रिक्शा में चालक सहित 27 लोग सवार थे। पुलिस ने जब एक एक कर गिनती करके सभी लोगों को उतारा तो यह संख्या 27 निकली। पुलिस ने लोगों से जब पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि वो सभी बकरीद की नमाज अदा करने गए थे। वहीं पुलिस ने इस ऑटो को सीज कर दिया है। तो ऑटो में 27 लोग सवार थे और पुलिस ने जब एक एक कर सभी यात्रियों को बाहर निकाला तो काउंटिंग की, तो काउंटिंग में पुलिस ने 27 लोगों को गिना और ये सभी 27 लोग एक ही ऑटो में सवार होकर के जा रहे थे जिस ऑटो को पुलिस ने रुकवाया। आपको बता दें कि इन लोगों ने बताया कि ये दरअसल
नमाज पढ़ करके वापस आ रहे थे और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हालांकि ऑटो को सीज कर दिया है। तो ये बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसमें कि एक ही ऑटो में 27 लोग सवार हुए थे और 27 लोग सवार होकर के जा रहे थे। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, हालांकि ऑटो को सीज कर दिया है। सिद्धार्थनगर बांसी विकासखंड के अदिलापुर गांव में बाइक की आमने सामने टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 2 युवकों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। तो सिद्धार्थनगर से खबर सामने आई है जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई है, आमने सामने टक्कर हुई है और इस टक्कर में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 2 युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है और इन लोगों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सिद्धार्थनगर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। उधर ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के तिलपता गांव में तेज रफ्तार ट्रक की बाइक से टक्कर हो गई है और जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिससे कि तिलपता गांव में लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंचकर जाम हटवाने में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा से ये खबर सामने आई है जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की टक्कर हुई है, टक्कर में एक महिला की मौत हो गई है। मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिला, ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। मौत के बाद ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया, हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची है और ग्रामीणों को समझा बुझा कर जाम खुलवाने की कोशिश में जुटी। वहीं मुड़िया पूर्णिमा मेला शुरू होते ही मथुरा में एसओजी स्वाट सर्विलांस और थाना गोवर्धन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल श्रद्धालुओं और परिक्रमार्थियों के मोबाइल चोरी करने वाले गैंग के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 8 लाख रुपए के 54 मोबाइल भी बरामद किए हैं। तो मथुरा पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। मोबाइल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है, 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुड़िया पूर्णिमा मेले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही इन लोगों के पास से 8 लाख के 54 मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। भारत का एक बहुत ही बड़ा मेला होता है, इसमें करोड़ों की संख्या में यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार की टीमें लगाई गई हैं, जिसमें हमारे द्वारा जो थाना गोवर्धन की टीम है और एसओजी की जो टीम है, इनके द्वारा ज्वाइंट रूप से कार्य करते हुए एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश किया गया, जिसमें 7 लोग गिरफ्तार किए गए। ये अपराधी जो हैं वो मैनपुरी जनपद के हैं, इन पर पूर्व में भी कई मुकदमे हैं और चोरी के मुकदमे हैं, और इनसे 54 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं जो विभिन्न यात्री श्रद्धालुओं को बिलोंग करते हैं। और इनका जो पूरा मोडस ऑपरेंडी है वो यही है कि जैसे यात्री भीड़ भाड़ में उनकी जेब से चुरा लेते हैं, या कोई अपनी गाड़ी खड़ी करके चला जाता है उसे गाड़ी से निकाल लेते हैं, या किसी का बैग होता है तो बैग में से चुरा लेते हैं। अलग अलग प्रकार से इनका टारगेट जो होता है, ये गैंग के रूप में काम करता है और उसी प्रकार से मेलों में ही ज़्यादातर जाते हैं क्योंकि मेलों में भीड़। यूपी में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, दिन दहाड़े बदमाश दबंगई करते हैं। पुलिस प्रशासन का कोई दबंगों का डर नहीं रहा अब, और इसी कड़ी में जालौन जिले में आधा दर्जन दबंगों ने युवक को बुरी तरह पीटा और फिर युवक गोली मार दी गई। युवक को गंभीर हालत में घायल युवक को राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है
ये पूरी घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के जयपुरा गांव का है। यूपी के बिजनौर में पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों के पास से चोरी के 32,000 नगद जेवरात, दो अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। बता दें कि शातिर चोर शहद बेचने के बहाने घरों में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। यह पूरा मामला मंडावर थाना क्षेत्र के चंदक रोड का है। वहीं कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के सनीगवा में मामूली विवाद में दबंग पोस्ट ऑफिस कर्मी को पीटा और फिर रिवॉल्वर तान दी, जिससे कि पोस्ट ऑफिस कर्मी भागने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कानपुर दबंग ने पोस्ट ऑफिस कर्मी पर हमला किया है। कहासुनी के बाद दबंग ने यह हमला किया है। आपको बता दें कि कानपुर से एक खबर सामने आई है, दबंग ने पीटने के बाद रिवॉल्वर लेकर दौड़ाया है। रायबरेली के डीहिक क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि डीहिक क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले जंगल में आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने अमन त्रिपाठी नाम के युवक की जमकर लाठी डंडे से पिटाई की। बता दें कि अमन को फोन करके जंगल में उसने दोस्तों ने बुलाया था और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की और 5,000 रुपए भी ले लिए। वहीं अमन ने पुलिस को तहरीर दी कर 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। किला बजा चौक की क्या हुआ अभी तुम्हारे साथ? क्या हम यहाँ से गए अपने मामा खाना दिया, पहले खाना देने के बाद हमारे पास फोन आया इंदर नगर से अखंड का, तो हम वहाँ चले गए, बैठे थे वहाँ पे, तो इन लोगों ने कार निकाली तो हम लोग घूमने चले गए, तो गंगागंज में इनके दोस्त मिल गए उदय सिंह चौहान, तो उन्होंने हमको मारा, पहले पैसे ले लिए, मैं कह रहे मारेंगे और भर के लेके चले गए, तो भर के लेकर मारा। क्या कारण था? पैसे, बस पैसे। फिर उसके बाद इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।